हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द फैंटेसी फैक्टर। इस वीडियो में यहाँ पे बात करने वाले रोड सेफ्टी T20 वर्ल्ड सीरीज का जो आज का मुकाबला होगा, जो कि यहाँ पे होगा इंग्लैंड लेजेंड वर्सेस बांग्लादेश लेजेंड्स के बीच में, जो कि मैच नंबर 3rd होगा। ठीक है, वैसे देखा जाए तो मैच नंबर 7 है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 4 मुकाबले ऑलरेडी 2020 में हो चुके हैं, जो कि कोरोना की वजह से फ्रेंड्स पूरे कंप्लीट नहीं हो पाए थे। वही चीज़ यहाँ से कंटिन्यू हो रही है, जिसका पहला मुकाबला जो हुआ था फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा, इंडिया लेजेंड वर्सेज बांग्लादेश लेजेंड्स के बीच में हुआ था, जिसे बांग्लादेश लेजेंड्स ने यहाँ पे 10 विकेट से हार दिया था। ठीक है, तो यानी कि बांग्लादेश लेजेंड्स की जो टीम है फ्रेंड्स, एक मुकाबला खेल चुकी है, अपना परफॉर्मेंस दिखा चुके, ना ही बैटिंग से उतनी स्ट्रॉन्ग लगी, ना ही बॉलिंग से उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहां पे मैं बात करूं तो यहां पे बांग्लादेश लेजेंड्स की जो टीम है थोड़ी सी वीक नजर आ रही है। ठीक है, काफी ज्यादा वीक है मैं कहूंगा तो। ठीक है, वहीं बात करूं इंग्लैंड लेजेंड की, तो फ्रेंड्स इनके जितने भी ज्यादा प्लेयर है सारे के सारे यहां पे 40 ईयर के आसपास है। ठीक है, तो काफी ज्यादा यंग प्लेयर मेरे हिसाब से यहां पे लग रहे हैं इस लेजेंड्स की टीम में, तो यहां पे ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम यहां पे नजर आ रही है इंग्लैंड लेजेंड की। और नई टीम भी है फ्रेंड्स, तो आप लोगों को बताऊंगा सारे के सारे प्लेयरों का यहां पे रिकॉर्ड भी, और जो भी यहां पे होगी फ्रेंड्स प्लेइंग 11 इंग्लैंड लेजेंड की। ठीक है, बांग्लादेश लेजेंड की तो आप लोग जानते ये ऑलरेडी एक मैच खेल चुके थे, इनके बारे में हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे। आप लोगों को मेन फोकस होना चाहिए इंग्लैंड लेजेंड्स की टीम पे। ठीक है, तो इनकी टीम यार यहाँ पे इंडिया की टीम से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे इसलिए नजर आई, क्योंकि इनके जो प्लेयर हैं बहुत ज्यादा यंग है और जो रिसेंटली मैच लगभग यहाँ पे खेल के आए हैं। ठीक है, तो सारी की सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे यार इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर से वॉच करिए। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आएगी यार, वीडियो को आप लोग लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इंग्लैंड लेजेंड के यहाँ पे प्लेइंग 11 को यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। इंग्लैंड लेजेंड की तरफ से यहाँ पे फिलिप मस्टर्ड ओपन करेंगे, जिन्होंने फ्रेंड्स यहाँ पे T20 के 192 मैच खेले, और यहाँ पे देख सकते हो 4,280 रनों का इनका कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी कि काफ़ी अच्छे प्लेयर T20 के हैं। ऊपर से आप लोग देखोगे यहाँ पे 30 ईयर एज इनकी है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो काफ़ी यंग प्लेयर मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, यहाँ पे फिलिप मस्टर्ड जो कि ओपन करने आएंगे। काफ़ी अच्छा मुझे लगता है कि अगर ओपन करेंगे यहाँ पे फ्रेंड्स, पहले यहाँ पे बैटिंग चूज करेंगे इंग्लैंड लेजेंड की टीम, तो काफ़ी अच्छी इनिंग यहाँ पे खेल सकते हैं फिलिप मस्टर्ड। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बात करूँगा फ्रेंड्स यहाँ पे इनके साथ जो ओपन करने आएंगे यहाँ पे जोनाथन ट्रॉट, देख सकते हो 81 मैच इन्होंने भी यहाँ पे T20 के खेले हैं, और 2176 रनों का इनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन है। इनकी एज भी यहाँ पे 39 ईयर है, यानी कि दोनों के दोनों काफ़ी यंग प्लेयर यहाँ पे आप लोग मान के चल सकते हो। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बात करूँगा फ्रेंड्स इनके जो कैप्टन है केविन पैटरसन, जो कि फर्स्ट डाउन आएंगे, यहाँ पे 36 मैच इन्होंने यहाँ पे खेले हैं, 1001 रनों का इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, 40 ईयर इनकी एज है। ठीक है, तो देख सकते हो फ्रेंड्स सारे के सारे प्लेयर यहाँ पे लगभग 40 ईयर के अराउंड ही यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे ओबिस्ता है फ्रेंड्स, देख सकते हो यहाँ पे 23 मैच इन्होंने यहाँ पे T20 के खेले, 506 रनों का इनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो ठीक ठाक इनका भी परफॉर्मेंस आप लोग मान के चल सकते हो। ठीक है, लगभग 18-19 का एवरेज मान के चल सकते हो। फिर यहाँ पे उपजल, यहाँ पे उस्मान अफजल है फ्रेंड्स, जो कि पाकिस्तान के बॉर्न है और वैसे खेलते हैं यहाँ पे इंग्लैंड लेजेंड के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो 52 मैच इन्होंने यहाँ पे खेले हैं और 942 रन बनाए, 43 साल इनकी उम्र है। ठीक है, तो देख सकते हो फ्रेंड्स ये भी काफ़ी अच्छे प्लेयर मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा आप लोग देखो फ्रेंड्स यहाँ पर डेरन मैटी है, 97 मैच खेले हैं, 2534 रन और 52 विकेट यहाँ पे निकाले हैं, और 46 साल के यहाँ पे हैं ये। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर इस मैच के लिए आप लोग के लिए होने वाले, क्योंकि एक ऑलराउंडर का यहाँ पे रोल प्ले करेंगे यहाँ पे डेरन मैटी। ठीक है, डेरन मैटी के बारे में आप लोग जानते ही होंगे फ्रेंड्स, जब 2014 से पहले बहुत अच्छा यहाँ पे खेलते थे। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पे गेविन हैमिल्टन है, ठीक है, 18 मैच यहाँ पे खेले, 194 रनों का इनका यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो लगभग ठीक ठाक प्लेयर मैं मान सकता हूँ। ठीक है, 46 ईयर इनकी एज है। फिर यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पे क्रिस है, यहाँ पे तो देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पे क्रिस ट्रेमलेट जो है यहाँ पे 59 मैच इन्होंने खेले हैं और 75 विकेट इन्होंने निकाले, यहाँ पे काफ़ी शानदार बॉलर आप लोग को यहाँ पे क्रिस साइड बॉटम में देख सकते हो, 18 मैच खेले, 23 विकेट यहाँ पे निकाले, 43 इनकी भी एज है, ये भी काफी यंग प्लेयर आपको लगेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे मॉन्टी प्रेंसर है, देख सकते हो यहाँ पे 33 मैच इन्होंने खेले, 27 विकेट निकाले, 38 इनकी एज है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर आप लोग के लिए भी होने वाले। फिर यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पे जेम्स ट्रेडवेल, आप लोग जानते हैं किस लेवल की बॉलिंग कराते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बॉलिंग इनकी है। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे 166 मैच खेले हैं और फ्रेंड्स यहाँ पे रन भी बनाए हैं 519 और 128 विकेट भी यहाँ पे निकाले, 39 ईयर इनकी एज है। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स कुछ इनका यहाँ पे प्लेइंग 11 रहने वाले मेरे हिसाब से। देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे सर हर एक प्लेयर का मैंने लगभग T20 का डेटा आप लोग के लिए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है यार, हम लोग यहाँ पे ओडे या टेस्ट का डेटा क्या कर सकते हैं हम उनका। ठीक है, तो आप लोगों को पता काफ़ी ज़्यादा यंग प्लेयर है, इसलिए इनका जो भी T20 का डेटा वो मैं आप लोग को यहाँ पे बता के आ रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हो जो बांग्लादेश लेजेंड्स का जो यहाँ पे प्लेयरों का रिकॉर्ड है वो भी अगर आप लोग देखना चाहो, वैसे आप लोग को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पहले वाली वीडियो में, तो वैसे भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन की है, तो आप लोग देख सकते हो इनकी तरफ से जो इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे उन्हीं के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मोहम्मद रजाक रफीक है, जो 7 मैच खेले हैं, 11 विकेट निकाले। ठीक है, इसके अलावा एक और बॉलर है यहाँ पे अब्दुल रजाक, ठीक है, 34 मैच खेले हैं और 43 विकेट, दो तो ये हुए इनकी तरफ से इंपॉर्टेंट। और दो और प्लेयर मैं कहूँगा अगर यहाँ पर रहमान खेलेंगे ना, अगर मुस्तफिज़ुर रहमान, तो ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो सकता है। ठीक है, 28 मैच खेले हैं, 360 रन बनाए,
ठीक है। फिर आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा नफीस इकबाल है, थोड़ा सा एक अच्छे प्लेयर, 16 मैच खेले हैं, 309 रन इन्होंने बनाए, तो ये थोड़ा सा इनकी तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इनके साथ आप लोग जाना चाहो तो यहाँ पे जा सकते हो, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ग्राउंड के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा कि जो ये ग्राउंड है यहाँ पे साहिन वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम जो कि रायपुर में, आप लोगों ने देखा फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस है, ये पिच है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कि बैट्समैनों को ये अच्छी हेल्प मिली या फिर बॉलरों को, ठीक है। बॉलिंग सेक्शन में बात करूँ तो थोड़ा सा यहाँ पे स्पिनरों को यार ज़्यादा विकेट मिले हैं एज कम्पेयर टू पेसर, ठीक है। तो पेसरों को भी विकेट मिले हैं ऐसा नहीं है, लेकिन आप लोगों ने देखा दोनों मैचों में, जो दो मैच यहाँ पे हुए, दोनों के दोनों मैचों में यहाँ पे स्पिनरों ने ज़्यादा विकेट लिए हैं कम्पेयर टू पेसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग स्पिन पे थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करके चलिए। इसके अलावा जो बैट्समैन थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे हैं वो यहाँ पे बहुत अच्छा भी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं कहूँगा कि T20 में आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे एग्रेसिव बैट्समैनों की तरफ आप लोग जाइए, जैसे कि कैप्टन की चॉइस में कहूँगा यहाँ पे केविन पैटरसन, आप लोगों को पता बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बैट्समैन है, तो इनको आप लोग यहाँ पे एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करके चल सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास जो और ऑप्शन यहाँ पे है जो एग्रेसिव है, मैं नाम लूँ तो यहाँ पे फिलिप मस्टर्ड भी थोड़ा सा ठीक ठाक यहाँ पे प्लेयर आप लोग मान सकते हो कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए, तो इनको आप लोग यहाँ पे ट्राई करके चलना। अब हम लोग यहाँ पे सिंपली यहाँ पे टीम की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो टीम मैंने आप लोग के लिए बना के रखी, जल्दी से मैं आप लोग को यहाँ पे टीम बता देता हूँ। लोग यहाँ पे विकेट कीपर सेक्शन में हमने यहाँ पे फिलिप मस्टर्ड को लिया है, ठीक है। इनके अलावा आप लोग को यहाँ पे के मसूद एक और ऑप्शन मिलेंगे, तो इनको आप लोग को नहीं लेना, ठीक है। ग्राइंडिंग में एक आध टीम में आप लोग ट्राई कर सकते हो, ठीक है, अदरवाइज आपको नहीं लेना है। बात करूँगा यहाँ पे बैटिंग सेक्शन में तो देख सकते हो चार बैट्समैन साथ में गया हूँ। पहला नाम आता है यहाँ पे केविन पैटरसन का जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, फिर यहाँ पे जे ट्रॉट का और यहाँ पे ओवैसा, और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पे एम निजामुद्दीन जिन्होंने कि लास्ट मैच में यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे किया था बांग्लादेश लेजेंड्स की तरफ से, ठीक है। अदर ऑप्शन जो आपके पास यहाँ पे बचते हैं जे ओमर, आप लोग चाहो तो ग्राइंडिंग में ट्राई कर सकते हो। फिर यहाँ पे आर सलेह है, ठीक है, ग्राइंडिंग के लिए मैं कहूँगा कि आप लोग के लिए एक अच्छी चॉइस हो सकती है। फिर यहाँ पे एन इकबाल है जो कि तामी इकबाल के भाई है, इनको भी आप लोग चाहो तो ग्राइंडिंग में ट्राई करके चल सकते हो एक आध टीम में, अदरवाइज आप लोग यहाँ पे ड्रॉप करके भी चलोगे तो उतना बड़ा इश्यू मेरे हिसाब से नहीं होगा, ठीक है। बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे सिंपली कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी की, तो कैप्टेंसी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो तो खलीद महमूद के साथ में गया हूँ, और यहाँ पे दूसरा सॉरी कैप्टेंसी कह रहा मैं ऑलराउंडर, ठीक है, तो यहाँ पे खलीद महमूद के साथ में गया हूँ, और दूसरे जो हमारे ऑलराउंडर है यहाँ पे डेरन मेटी, ठीक है। आप लोग देखोगे तो यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने सेलेक्ट किया है यहाँ पे हैमिल्टन को, हैमिल्टन का कुछ खास रिकॉर्ड मैंने आप लोग को जैसे दिखाया कुछ लगा नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे डेरन मेटी का थोड़ा सा बेटर रिकॉर्ड मुझे लगा अकॉर्डिंग टू यहाँ पे हैमिल्टन, अदरवाइज आप लोग चाहो तो यहाँ पे हैमिल्टन के साथ भी जा सकते हो जो कि पब्लिक चॉइस यहाँ पे होने वाली है, ठीक है। उसके अलावा फ्रेंड्स कोई खास प्लेयर यहाँ पे लगा नहीं जिनको मैं लेना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक यू अफजल आप लोग को यहाँ पे एक प्लेयर मिल जाएंगे, आप चाहो तो यहाँ पे किसी एक टीम में ग्रैंडिंग के यहाँ पे ट्राई करके चल सकते हो। बात करेंगे बॉलिंग सेक्शन में तो देख सकते हो यहाँ पे टोटल चार बॉलरों के साथ में यहाँ पर नाम आता है यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे मैथ्यू हॉगर्ट का, ठीक है। हॉगर्ट के बारे में आप लोग जानते हो किस लेवल की बॉलिंग कराते हैं, ठीक है। 2014 से पहले मैं बात करूँ तो जब हम मतलब छोटे बच्चे थे तो उस टाइम पर फ्रेंड्स ये बॉलिंग कराते थे, ठीक है, बहुत जबरदस्त बॉलर थे। अगर आप लोगों ने उस टाइम पर इनके बॉलिंग देखी होगी फ्रेंड्स तो आप लोगों को पता बहुत अच्छे विकेट यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट प्लेयर यहाँ पे होंगे। फिर यहाँ पे अगर वैसे थोड़ा सा इनके खेलने के लेस चांस मुझे लग रहे हैं इस मैच में, अगर खेलेंगे तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे पिक करेंगे, अदरवाइज आप लोग इनको ड्रॉप करके भी यहाँ पे चल सकते हैं अगर नहीं खेलेंगे, ठीक है। एम रफी का आप लोग जानते हो कि लास्ट मैच में विकेट नहीं मिला, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाते हैं बॉलिंग सेक्शन के बेस पे मैं कह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि चार प्लेयर तो हमने यहाँ पे बांग्लादेश लेजेंड की तरफ से लेने ही लेने हैं, ठीक है। फिर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जोनाथन ट्रेडवेल के साथ में गया हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉलर ये भी है, और यहाँ पे ए रज्जा के साथ में यहाँ पे जा रहा हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये चार मेरे बॉलर हैं, इसके अलावा आप लोग के पास जो और ऑप्शन बचते हैं आप लोग यहाँ पे एस महमूद के साथ जा सकते हो, और फ्रेंड्स यहाँ पे बात करो तो यहाँ पे साइड बॉटम आप लोगों के पास एक और अच्छी चॉइस होगी, तो साइड बॉटम को भी आप लोग यहाँ पे लेके चल सकते हो, ये भी लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉल आप लोग को यहाँ पे कराते हुए नजर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ प्लेयर यहाँ पे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से रोल प्ले करेंगे। अब आप लोगों को कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी किसे देनी चाहिए, ठीक है, पहला नाम पे केविन पैटरसन का आएगा, हर कोई यहाँ पे देख तो 66% लोग बना रहे हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि टॉस आप लोग के लिए काफी ज्यादा यहाँ पे मैटर करने वाला, ठीक है। टॉस विन करके अगर यहाँ पे इंग्लैंड बैटिंग चूज करेगा तब आप लोगों को यहाँ पे केविन पैटरसन को ही कैप्टन बनाना है, लेकिन अगर मैं कहूंगा कि पहले यहाँ पे बैटिंग चूज करेगी अगर यहाँ पे बांग्लादेश लेजेंड की टीम, तो वो छोटे से स्कोर में भी यहाँ पे ऑल आउट हो सकती है, ठीक है, ये चीज आप लोग को ध्यान में रखना। उस केस में यहाँ पे एडवांटेज किसको मिलेगा, उस केस में यहाँ पे एडवांटेज मिलेगा फ्रेंड्स यहाँ पे बॉलरों को, ठीक है। यहाँ पे जो बॉलर है इंग्लैंड लेजेंड के उन्हें यहाँ पे बहुत अच्छा एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि कोई ना कोई बॉलर 2 से 3 विकेट निकाल के जाएगा जिसमें नाम आता है पे ट्रेडवेल और यहाँ पे मैथ्यू हॉकट का ज्यादा से ज्यादा चांसेस है, ठीक है। तो उस केस में आप लोग यार इनको कैप्टन वाइस कैप्टन यहाँ पे मेरे हिसाब से बना के चले तो आप लोग के लिए बहुत अच्छी यहाँ पे आपकी टीम हो सकती है, बहुत अच्छा आप लोग यहाँ पे क्लीन स्वीप यहाँ पे करके चल सकते हो। तो फ्रेंड्स देख सकते हो कुछ इस प्रकार से हमारी टीम का अभी कॉम्बिनेशन है, ठीक है, और मैंने बताया आपको टॉस के बाद आप लोगों को किस प्रकार से कैप्टन वाइस कैप्टन यहाँ पे चेंजेस करने हैं।
तो फ्रेंड्स अब आप लोग क्या करना, सेम टू सेम टीम को आपको कहाँ पे लगा लेना, बैट बॉल इलेवन पर, ठीक है। क्यों लगाना कि आपको फायदा यहाँ पे होने वाला। अगर आप लोग फ्रेंड्स से ड्रीम इलेवन में हार रहे हो तो उसका एक यहाँ पे रीज़न हो सकता है कि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। आप लोग बहुत अच्छी टीम बना रहे हो, बहुत अच्छी आप लोग रिसर्च कर रहे हो, लेकिन फ्रेंड्स फिर भी आप लोग यहाँ पे हार जा रहे हो। आपके सामने ऐसी टीम आ रही जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है, जैसे ग्रैंडिक की जैसी टीम आप लोग के सामने आ रही, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका रीज़न कॉम्पिटिशन है, क्योंकि आप लोग पता करोड़ों लोग ड्रीम इलेवन में खेलते हैं, आपके सामने कौन सा अपोनेंट आने वाला है ये आप लोग को खुद नहीं पता होता, ठीक है। कभी बहुत ज़्यादा वीक आ जाता है, कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी आ जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोगों के लिए यहाँ पे एक अल्टरनेट ऐप है, यहाँ पे बैट बॉल अलेवन, ठीक है। यहाँ पे फायदा आप लोगों को क्या होने वाला, जैसे आप लोग इस ऐप को डाउनलोड करोगे ना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में दोनों जगह पे आपको दे रखी है, ठीक है। तो 50 रुपये का आप लोग को इंस्टेंट कैश बोनस उसी टाइम आप लोग को मिल जाएगा। फिर आप लोग जैसे ही यहाँ पे फर्स्ट डिपोजिट करोगे तो 100% आप लोग को यहाँ पे बोनस मिलेगा, ठीक है। सेकंड डिपोजिट करोगे 75% आप लोग को बोनस मिलेगा, थर्ड डिपोजिट करोगे 50, फोर्थ डिपोजिट करोगे 25% आप लोग को बोनस मिलेगा। यानी कि फर्स्ट फोर डिपोजिट तक आप लोगों को शानदार तरीके से कैश बोनस मिलेगा, बोनस आप लोग का कभी भी यहाँ पे एक्सपायर नहीं होगा। उसके लिए फ्रेंड्स आप लोग को यहाँ पे और क्या बेनिफिट मिलने वाले आप लोग को दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देख सकते फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत अच्छे डिस्काउंट एंट्री आप लोग को मिलने वाली है, ठीक है। 1399 वाली का 1349 में, 49 वाली 39 में, 555 वाली 499 में आप लोग को यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। इसके अलावा पे आपको सबसे लेस एंट्री फीस ऑल ओवर फैंटासी मार्केट में मिलने वाली, जो उस ऐप सबसे कम आप लोगों से कमीशन यहाँ पे चार्ज करती है, वो है बैट बॉल इलेवन, ठीक है। इसके अलावा आपको इंस्टेंट कैश विड्रॉ आपके बैंक अकाउंट में सेम डे मिल जाता है। कस्टमर सपोर्ट की बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हो, इन्होंने नंबर भी दे रखा और ईमेल आईडी भी इन्होंने यहाँ पे दे रखी है। तो कोई भी दिक्कत आएगी आप डायरेक्टली इन्हें कॉल कर सकते हो, अपने मेल कर सकते हो, मैसेज के रिक्वेस्ट फॉर कॉल बैक डाल सकते हो। यानी कि 100% ट्रस्टेबल ऐप है, इसीलिए इन्होंने नंबर भी और ईमेल आईडी भी आप लोग को यहाँ पे प्रोवाइड करा रखी है, ठीक है। तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली। इसके अलावा आप लोग सेकंड इनिंग में भी यहाँ पे और अपनी टीम बना सकते हो, ठीक है। आप लोगों को पता है फ्रेंड्स जब आधा मैच हो जाता है तो आधा मैच प्रेडिक्ट करना बहुत ही आसान होता है, ठीक है। तो वही चीज़ आप लोग यहाँ पे कर सकते हो, बहुत अच्छा यहाँ पे विन कर सकते हो, ठीक है। सेकंड इनिंग की टीम मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे देने की कोशिश करूंगा, तो आप लोग टेलीग्राम पे भी जुड़ जाना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम का, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप लोग सिंपली जाकर टेलीग्राम पर @fantasyfactor लिख सकते हो, ठीक है। @fantasyfactor लिखोगे तो हमारा चैनल आप लोग को मिल जाएगा, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल का नाम भी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यार इस वीडियो में बस आप लोगों को इतना ही बता था, उम्मीद करूंगा आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, और पहली बार इस चैनल पे आए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब करके जरूर से जाना। तो मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत सारा गुड लक इस मैच के लिए।